पहला थोड़ी चुनाव है कि मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, सातवां चुनाव है। और कांग्रेस निश्चित तौर से एक सोच की पार्टी है, एक देश को बनाने वाली पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। योगी सरकार जिस तरीके से महिलाओं बच्चियों को बलात्कार करके मारा गया, जलाया गया, पेट्रोल डाल के जलाया गया, इन सब चीज़ों से आहत होकर प्रियंका जी ने कि भाई महिलाएं भी अपने हक और अधिकार के लिए खुद ऐसी पद पर बैठ जाएं कि जिससे उनको अधिकार हक मिले। और निश्चित तौर से कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस खड़ी रहेगी। जो मोदी के उसमें प्रभाव में घूम रहे हैं योगी के, आप देखिएगा सबकी नींद 10 तारीख को 11 बजे तक टूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़, मैं दीपक चौबे। इस वक्त हम काशी में मौजूद हैं और मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि इस वक्त विधानसभा का जो चुनाव है लगातार डगमग देखा जा रहा है और टक्कर की लड़ाई चल रही है, खासकर काशी में। काशी के इस वक्त मैं पिंडरा विधानसभा में मौजूद हूँ, 384 पिंडरा विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता और भावी विधायक पद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से अजय राय जी से मैं मुलाकात कराऊंगा और आज इनसे राजनीति मुद्दे पे थोड़ी बातचीत होगी। सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत करता हूँ आर वॉइस न्यूज़ में। सर, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद, बताएं। सर, इस बार चुनाव की किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं आप पिंडरा विधानसभा में? भैया, चुनाव ये मेरा सातवां चुनाव है पिंडरा विधानसभा का। पहला थोड़ी चुनाव है कि मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, सातवां चुनाव है। तो जिस तरीके से हम लोग जनता के बीच में सुख दुख के साथी हैं, उनके सुख दुख के साथ खड़े हैं, उनके परिवार की तरह हमारी विधानसभा है, फैमिली की तरह है, जो एक अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, माँ बाप की तरह कार्य होता है, उस तरीके से हम लोग अपनी विधानसभा में काम कर रहे हैं। 1996 से 2009 तक आप बीजेपी का दामन थामे थे, फिर सपा में गए, फिर निर्दलीय भी आपने लड़ा। उसके बाद आप लोकसभा जो चुनाव हुआ 2014 में, तो उसमें आपने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ा, तो उसके हार के बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इसके बाद का जो प्रक्रिया आपका लगातार कांग्रेस में बना रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि मैं जब निर्दल चुनाव जीता था 2009 में, तब से निर्दल जीत के कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। और लगातार सरकार बसपा की थी, उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के और कांग्रेस के साथ खड़े रहे और लगातार कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस निश्चित तौर से एक सोच की पार्टी है, एक देश को बनाने वाली पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और अच्छा, आपको बहुत अच्छा परिणाम 2022 के चुनाव में मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, इस बार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है प्रियंका जी के तरफ से और 40% महिलाओं को सीट देने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, हालांकि दिया भी है, तो क्या ये महिला के 40% सीट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, वो प्रियंका जी की जो सोच है वो निश्चित तौर से है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय जिस तरीके से पिछले सालों की सरकारें रही हैं, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की जो निवर्तमान सरकार है योगी सरकार, जिस तरीके से महिलाओं बच्चियों को बलात्कार करके मारा गया, जलाया गया, पेट्रोल डाल के जलाया गया, इन सब चीज़ों से आहत होकर प्रियंका जी ने कि भाई महिलाएं भी अपने हक और अधिकार के लिए खुद ऐसी पद पर बैठ जाएं कि जिससे उनको अधिकार हक मिले, किसी के आगे याचना नहीं करें जाके, किसी के आगे भीख न मांगे। अब उस नाते उन्होंने 40% है जो कहा था दिया। और जितने भी इस तरीके से परिवार में जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, जिन परिवारों के साथ, महिलाओं के साथ, उनको टिकट विशेष रूप से दिया, उनकी बहन को दिया, उनकी माँ को दिया, उनकी बच्चों को दिया और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने। जी जी, बिल्कुल। विधायक जी ये बताइए, क्या लगता है इस बार आपकी कांग्रेस की जो लड़ाई है वो किस पार्टी से होगी? बीजेपी से होगी, सपा से होगी, या सारी लड़ाई जो है मिला जुला के आप लोग करेंगे, किस प्रकार से तैयारियाँ? कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं भाजपा से लड़ रहे हैं, कहीं सपा से लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर से कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस खड़ी रहेगी। अभी जो मीडिया के लोग या जो अभी अखबार के जो लोग हैं जो मोदी के उसमें प्रभाव में घूम रहे हैं योगी के, आप देखिएगा सबकी नींद 10 तारीख को 11 बजे तक टूट जाएगी। तो सपा का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है और भारतीय जनता पार्टी तो अलग तरीके से वर्तमान में सरकार बना के चल रही है, समाजवादी पार्टी महागठबंधन चल रही है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का भी कुछ आपके पार्टी के खिलाफ जाएगा ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही है, वो मेरा मामला नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, उससे मेरा कोई लेना नाता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ